हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कि कितने तरह के जंगल होते हैं। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसीडियस डिपेंडिंग अपॉन व्हेन दे शेड देयर लीव्स। तो जो जंगल होते हैं वो बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं, और ये क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग अपॉन व्हेन दे शेड देयर लीव्स, कि वो उन पेड़ उन जंगलों के जो पेड़ हैं उनकी पत्तियाँ कब झड़ती हैं। तो इस तरीके से दो तरह के फॉरेस्ट होते हैं, एक होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट और एक होते हैं डेसीडियस फॉरेस्ट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये डिस्कस करते हैं, आपको तब समझ में आएगा कि बात क्या चल रही है। तो पहले जो होते हैं वो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन, ये जो वर्ड है एवरग्रीन का मतलब क्या है, जो हमेशा ग्रीन रहे, मतलब उसकी पत्तियाँ कभी नहीं झड़ती हैं, मतलब झड़ती हैं एक साथ कभी नहीं झड़ती हैं, एक पत्ती झड़ेगी कहीं कोई दूसरी पत्ती झड़ेगी तो वो पेड़ आपको कभी देख के नहीं लगेगा इस पेड़ की पत्तियाँ झड़ गई, आपको पेड़ वैसे ही एवरग्रीन लगेगा। और यहीं से एक्चुअली ये वर्ड आया है एवरग्रीन, कि कोई चीज़ हमेशा जब अपनी रौनक में रहती है तो कहा जाता है दिस इज़ एवरग्रीन, कि ये एवरग्रीन सॉन्ग है, हमें ये एवरग्रीन फिल्म है, कि आप इस फिल्म को कभी भी देखो आपको हमेशा ये मज़ा आएगा। तो यहाँ से वर्ड आया है एवरग्रीन। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं कभी, कि मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ शेड कर दी लीव्स। और जबकि दूसरी तरफ क्या होते हैं डेसीडियस फॉरेस्ट, डेसीडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो जो डेसीडियस फॉरेस्ट होते हैं इनके जो पेड़ होते हैं ये साल में एक ऐसा पर्टिकुलर सीजन होता है जब ये अपनी सारी पत्तियाँ झाड़ देते हैं। लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड अप टू ग्रो क्रॉप्स फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट। अब बात करते हैं डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स की, कि फॉरेस्ट और एनिमल्स यानी कि जंगल और जो ये जीव जंतु है जानवर हैं इनका डिप्लीशन कैसे हो रहा है, ये कैसे खत्म होते जा रहे हैं, कैसे कम होते जा रहे हैं। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। जो पेड़ पौधे होते हैं ये जानवरों को क्या देते हैं, शेल्टर, शेल्टर यानी कि रहने की जगह, ये तमाम जानवरों को और पंछियों को रहने की जगह देते हैं। इस वजह से वो जानवर और वो चिड़िया वो पंछी रह पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं, और इस तरीके से इकोसिस्टम मेंटेन रह पाता है। चेंजेस इन क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लाइमेट में होने वाले चेंजेस की वजह से और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी कि इंसान आए जंगल काट दिए, जंगल काट दिए रहने की जगह है नहीं, तो सारे चिड़िया न जाने कितने जानवर मर जाएंगे, उनके लिए रहने की जगह नहीं, तो ये सब है ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो ऐसे तमाम वजहों से जो नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स का और एनिमल्स का वो ख़त्म हुआ जा रहा है। अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे, कई सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो कि पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही उगेंगे। अब जैसे जैसे अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, तो वो पौधे जो हैं उनकी पैदावार कम होती जा रही है, और कई पौधे तो ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और आपके जैसे बता दूँ जो चॉकलेट होती है, चॉकलेट बनती है एक बीन से, कोकोवा बीन से, ये कोकोवा बीन पूरी दुनिया में कुछ जगहों पर ही उग सकती हैं, ये हर जगह नहीं उग सकती। अगर आप चाहें कि लखनऊ में यहाँ कोकोवा की वो पेड़ लगा दें और वो बीन्स वैसी ही उग जाएंगी तो बहुत मुश्किल है ये उगाना। तो कोकोवा बीन्स ये इनकी पैदावार में बहुत कमी आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी शायद 100 साल बाद, 120 साल बाद कोकोवा बीन्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएँ, तो चॉकलेट भी एक एक्सटिंक्ट चीज़ हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी, हाँ अनलेस कि हाँ डीएनए इंजीनियरिंग करके हम कुछ ट्राई ना कर लें, लेकिन फिर भी हम चाहे जितना भी डीएनए इंजीनियरिंग कर लें, नए नए टाइप के पौधे उगा लें, नए नए टाइप के जानवर बना लें, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं आएगी जो कि नेचर से आई थी। खैर, मैनी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव बिकम एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। अब क्योंकि नेचुरल हैबिटेट खत्म हुआ जा रहा है पेड़ पौधों का और ये तमाम जानवरों का, तो बहुत सारी जानवरों की स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं दुनिया से, उनका कोई नामो निशान नहीं है, और या तो फिर एंडेंजर्ड है, कि एंडेंजर्ड डेंजर यानी कि खतरा, तो एंडेंजर्ड यानी कि वो खतरे में है बिल्कुल, कि ये जस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। जैसे जो पांडास हैं ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, कि ये दुनिया में बचे हैं लेकिन बहुत कम बचे हैं,
अब इनको बचाने की कोशिशें हो रही हैं कि ये एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। और जैसे एक्सटिंक्ट जानवरों की बात करी जाए तो जैसे वाइट राइनोसोरस अभी हाल में एक्सटिंक्ट हुआ है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ की अलग अलग जगह में कंस्ट्रक्शन कर देना, फॉरेस्ट फायर्स जो जंगलों में आग लग जाती है, पोचिंग जो पोचिंग को चलिए हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी आर सम नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, कि ये सब फैक्टर्स हैं जो प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन को इनक्रीज करते हैं। कि कोई जानवर का एक्सटिंक्शन हो गया, कि जानवर की प्रजाति खत्म हो गई, वो कब होगी? जब पेड़ पौधे ख़त्म कर दिए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ होंगी, जंगल ख़त्म, वहाँ बिल्डिंग बन गई तो रहने के लिए जगह नहीं जानवरों को, या फिर फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग गई तो सारे जानवर मर गए। इसके अलावा पोचिंग और नेचुरल डिज़ास्टर्स की बाढ़, सुनामी आ गया, सुनामी की वजह से बाढ़ आ गई, बाढ़ में सारे जानवर डूब गए, जितने थोड़े बहुत बचे थे जो एंडेंजर्ड थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, या फिर जो थे वो एंडेंजर्ड हो गए। तो ये सब तमाम फैक्टर्स की वजह से बहुत सारे जानवर मरते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं पोचिंग को। ये जो वर्ड है पोचिंग, इसका मतलब होता है जानवरों का शिकार करना या जानवरों को मारना। लेकिन अब ये जो वर्ड है हंटिंग, हंटिंग का भी यही मतलब है, जानवरों को मारना या जानवरों को शिकार करना। तो हंटिंग और पोचिंग में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क बेसिकली ये है, जब आप अपनी भूख मिटाने के लिए किसी जानवर को मारते हो उसको खाने के लिए, तो इसे कहेंगे हंटिंग, हंट करना। लेकिन जब आप किसी जानवर को मारते हो उस जानवर को बेचने के लिए, या उस जानवर के किसी पार्ट को बेचने के लिए, उसे कहा जाता है पोचिंग। ये फ़र्क है हंटिंग और पोचिंग में। और लेकिन खैर कुछ भी कहा जाए, एट द एंड ऑफ द डे मर तो जानवर ही रहा है। खैर, वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज पोचिंग। अब जानवरों की जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं वो एंडेंजर्ड हो रही हैं, कई सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो इसका एक बहुत बड़ी वजहों में से एक वजह है पोचिंग। एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल्स, टीथ एक्सेट्रा। जानवरों की पोचिंग करी जाती है किस लिए? कलेक्शन करने के लिए और इलीगल ट्रेड के लिए। कि जैसे कई लोग को शौक होता है कि बारहसिंघा के जो सींग हैं उसका कलेक्शन करेंगे, तो जितने बारहसिंघा मिल रहे हैं उनको मारे जा रहे हैं। और इसके अलावा इलीगल ट्रेड के लिए, जैसे कई लोग का मानना है कि जो हाथी के दांत होते हैं उनको घर में रखने से बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, तो हाथी के दांत अब कहाँ से लाएं? तो उसके लिए हाथी को मारना पड़ेगा। तो हाथी को लोग मारते हैं और हाथी के दांत को बेचते हैं, और बहुत महंगा बिकता है ये ब्लैक मार्केट में। तो इस तरीके से जानवर मारे जाते हैं कलेक्शन के लिए और इलीगल ट्रेड के लिए। और जानवरों का क्या क्या है कलेक्शन और इलीगल ट्रेड किया जाता है? उनकी जो स्किन है, हाइड्स का भी मतलब स्किन ही एक तरीके से, उनके जो नाखून हैं, उनके जो दांत हैं, उनके जो बॉडी ऑर्गन्स, तमाम बॉडी ऑर्गन्स का यूज़ किया जाता है। मेडिसिन्स में दवाइयाँ बनाने के लिए कई सारे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डेकोरेटिव आइटम्स के लिए कई तरीके से यूज़ होते हैं सम ऑफ दीज एनिमल्स। अब जो जिन जानवरों की पोचिंग होती है उन जानवरों में से कुछ के एग्जाम्पल हैं टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, पीकॉक। ऐसे तमाम जानवर हैं जिनकी पोचिंग करी जाती है। पोचिंग रिजल्ट्स इन शॉर्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़। अब जब किसी जानवर को मार के आप उसे बेच सकते हो बहुत ज़्यादा कीमतों में, तो खुद सोचिए बहुत सारे लोग ही काम करने लग जाएंगे और डेली बेसिस पे ना जाने कितने सैकड़ों हज़ारों जानवर मरेंगे। तो पोचिंग अगर किसी जानवर की चालू हो गई तो बहुत कम टाइम में उस जानवर की स्पीशीज़ बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इंसान तो फिर अंधे हो जाते हैं फ़ायदे में, कि जहाँ उनको फ़ायदा दिख रहा है वो फिर वो काम करना रोकते नहीं हैं। उनको पता होता है लेकिन नहीं रोक सकते। अभी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे अर्थ में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तमाम जगह बात हो रही है कि प्लास्टिक की वजह से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन प्लास्टिक बैन करने की जब बात आती है तो हमेशा सरकार क्या करती है, वो जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं उसे बैन कर देती है। चलो ठीक, थैलियाँ बैन कर दी, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो बॉटल्स बना रही हैं, ये बना रही हैं, वो बना रही हैं, ये सब इतने रैपर्स बना रही हैं, उन पे कुछ नहीं होता।
क्यों? क्योंकि भाई उनसे रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है। वो बनाने वाली कंपनीज भी जान रहे हैं कि यार इन सब चीज़ों की वजह से दुनिया में दिक्कत आ रही है, लेकिन वो चीज़ रुकेगी नहीं अचानक से। क्यों? क्योंकि रुक जाएगी तो सबको नुकसान होने लग जाएगा। तो ये बातें करी जाती हैं, लेकिन अपना नुकसान कोई नहीं करता है, फ़ायदा जिससे मिलता है वो फ़ायदा कभी रोक नहीं पाता। ये इंसान की फितरत है, अगर किसी चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है तो फ़ायदा नहीं रोक पाएगा वो। तो पोचिंग से अगर फ़ायदा मिल रहा है तो लोगों को भले पता हो ये जानवर कम हो रहा है, लेकिन वो जानवर मरना कम नहीं होगा। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कई जगह पे नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, जिससे कि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को, जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उन सबको कंजर्व किया जा सके। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज। कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे सोशल फॉरेस्ट्री की सामाजिक लेवल पे लोग देख रेख करें जंगलों की, और वन महोत्सव एक महोत्सव हुआ करता था जिसमें तमाम अवेयरनेस दी जाती थी पेड़ पौधों के लिए। तो ये सब सोशल जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी बढ़ाया जाना चाहिए कि लोगों को पता चले कि ये चीज़ें कंजर्व करनी है। मैनी कंट्रीज़ हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड्स एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। कई सारे देशों ने ऐसे कई सारे लॉज पास किए हैं जिसमें ये इस चीज़ को कानूनन अपराध माना गया है, इलीगल माना गया है कि आप किसी जानवर को मारो या किसी चिड़िया को मारो। इन इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, पीकॉक्स इज़ इलीगल। जैसे इंडिया में शेरों को मारना, बब्बर शेरों को मारना, लॉयंस टाइगर्स, और इसके अलावा हिरन को मारना, पीकॉक्स को मारना, ये सब इलीगल है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाया गया जिसका नाम था साइट्स। तमाम देशों का पार्टिसिपेशन था इसमें, और इसमें साफ साफ एक लिस्ट बनाई गई कि कौन कौन से जानवर हैं और कौन कौन से बर्ड्स हैं जिनका ट्रेड नहीं किया जा सकता, कि जिनका ट्रेड प्रोहिबिटेड है, कि आप इनको खरीद या बेच नहीं सकते हो, और ये अगर बेचते हुए खरीदते हुए पाए गए तो ये इलीगल है, ये अगेंस्ट लॉ है, आपके खिलाफ पनिशमेंट होगा। अराउंड 5,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। कि इस कन्वेंशन के मुताबिक जानवरों की 5,000 ऐसी स्पीशीज़ हैं और पेड़ों की ऐसी 28,000 स्पीशीज़ हैं जिनको प्रोटेक्टेड माना गया है, यानी कि इनको खरीदा या बेचा नहीं जाएगा, ये इलीगल है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। पेड़ों को बचाना और जानवरों को बचाना ये एक एथिकल ड्यूटी है हर सिटीज़न की, कि हर नागरिक की ये एथिकल ड्यूटी है, यानी कि एक सामाजिक कर्तव्य है उसका कि वो ध्यान रखे कि पेड़ों को और जानवरों को नुकसान ना पहुंचे। अब चलिए डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट फायर्स, यानी कि जो जंगलों में जो आग लग जाती है उसके बारे में। तो फॉरेस्ट फायर इज़ अ थ्रेट टू एंटायर रीजन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब यहाँ पे दो नए टर्म्स हैं, फ्लोरा एंड फौना, पहले इनको डिस्कस करते हैं। तो फ्लोरा का मतलब है किसी भी जगह में जितने भी तरह के पेड़ पौधे होते हैं उन्हें कहा जाता है उस जगह का फ्लोरा, और किसी भी जगह में जितने भी तरह के जानवर होते हैं उन्हें कहा जाता है फौना। तो प्लांट्स और एनिमल्स को ही बोलने का ये दूसरा तरीका है, ठीक है, और किताबों में ये खामखा यूज़ भी किया जाता है, जबकि रियल लाइफ में हम आम बोलचाल की भाषा में ये फ्लोरा फौना यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी किताबों में लिखा है तो जान लीजिए। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी बोलने का दूसरा फॉर्म है, और अगर आपको याद रखना है तो फ्लोरा को याद रखिए फ्लावर से। तो फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे, एंड फौना ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन, यही बचा जानवर। तो फ्लोरा एंड फौना ये तो हो गया। तो फॉरेस्ट फायर इज़ अ थ्रेट टू एंटायर रीजन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कि जब जंगल में आग लगती है वो सबके लिए एक थ्रेट है, क्योंकि जंगल में जब आग लगेगी वो पेड़ पौधों को भी नुकसान होगा, जानवर भी मरेंगे। अब इट अकर्स ड्यू टू मेनली थ्री रीजंस। फॉरेस्ट फायर बेसिकली तीन वजहों से होता है। पहला है नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग। जब बारिश होती है और बिजली कड़कती है तो उसकी वजह से कई बार आग लग जाती है जंगलों में। फायर ड्यू टू लिटरिंग बाय केयरलेस पीपल। लिटरिंग का मतलब होता है चीज़ें कहीं इधर उधर फेंक देना या फिर इधर उधर चीज़ें बिखेर देना, इसे कहते हैं लिटर करना। तो फायर ड्यू टू लिटरिंग कैसे होता है,
जैसे कई लोग होते हैं जंगल से गुजर रहे होते हैं और सिगरेट पी के फेंक देते हैं, तो उस सिगरेट की वजह से आग लग जाती कई बार जंगलों में। तो फायर ड्यू टू लिटरिंग ऐसे होता है कई केसेस में। इसके अलावा पर्पजली कॉज्ड बाय लोकल इनहैबिटेंट्स, मिसचीफ मेकर्स एक्सेट्रा, कई बार आग जानबूझ के भी लगाई जाती है और लोकल इनहैबिटेंट्स लगाते हैं। अब ये जो वर्ड है इनहैबिटेंट्स, ये भी वर्ड हैबिटेट से आया है, हैबिटेट से बना इनहैबिटेंट्स, यानी कि किसी भी जगह में जो लोग रहते हैं उन लोगों को उस जगह का इनहैबिटेंट कहा जाएगा। तो कई बार लोकल इनहैबिटेंट्स और मिसचीफ मेकर्स कई बार जानबूझ के भी आग लगाते हैं। फॉरेस्ट फायर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड ऑल्सो बाय प्रॉपर डिटेक्शन ऑफ फायर्स बाय ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अब जंगल में जब भी आग लगती है तो इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो अब अगर बिजली कड़कने की वजह से आग लगी है तो इसमें भी आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, लिटरिंग की वजह से जो आग लगती है इसको कम किया जा सकता है अगर लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए कि आप जंगल से गुजरो तो लिटरिंग नहीं करना है। इसके अलावा जानबूझ के आग लगाई जाए, अब इसको कैसे कम करें, ये तो चलिए पॉलिटिकल तरीके हैं, लेकिन अगर कहीं आग लग गई, अब फॉरेस्ट फायर को कैसे कम किया जाए? तो फॉरेस्ट फायर होने ना दें, और अगर हो गया तो अब क्या करें? तो होने ना दें के लिए कि क्या करना है, अवेयरनेस फैलाना है। और फॉरेस्ट फायर अगर हो गया है तो क्या करें? सबसे पहली चीज़ प्रॉपर डिटेक्शन, कि आग लगते ही आपको पता चल जाए कि इस एरिया में आग लगी है, किस तरफ बढ़ रही है और कितनी बड़ी आग है। तो प्रॉपर डिटेक्शन ऑफ फायर, और ये प्रॉपर डिटेक्शन कैसे होता है? जब उस जगह की ग्राउंड पेट्रोलिंग होगी, मान लीजिए जो जंगल है तो उस जंगल के जितने भी ऑफिसर्स हैं उस जंगल में जिनकी ड्यूटी लगी है वो ग्राउंड पेट्रोलिंग करते रहें, वो हमेशा इधर उधर घूम के, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना, तो गश्त लगाते रहें और जहाँ पे भी उन्हें आग मिले कि हाँ यहाँ पे आग लगी है तो वहाँ डिटेक्ट हो जाएगा कि हाँ यहाँ आग लगी है, फिर उसको आराम से और जल्दी बुझाया जा सकेगा। तो ग्राउंड पेट्रोलिंग करी जाए और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हों कि अगर किसी बंदे ने देख लिया कि आग लगी है तो वो अपने पूरे डिपार्टमेंट में एंड सब लोगों को बता सके, पूरे एरिया में बता सके कि हाँ यहाँ पे आग लगी है एंड अब इसके लिए मेजर्स लिए जाएं। तो प्रॉपर ग्राउंड पेट्रोलिंग हो और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हों, इससे क्या होगा, प्रॉपर डिटेक्शन एंड फॉरेस्ट फायर्स को रोकने में मदद मिलेगी। तो ये था क्लास 8th जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर। थैंक यू।